सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ हमारे चैनल पर। जैसा कि आपने पढ़ी लिखा होगा, यूपी बोर्ड के जो फार्मूला था उसका विरोध होना शुरू हो गया है। तो यह विरोध जो है कुछ स्कूलों द्वारा किया जा रहा है। तो पूरा मामला हम समझेंगे कि क्या यूपी बोर्ड अपना फिर से फार्मूला चेंज कर सकता है या नहीं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। यूपी बोर्ड परीक्षा परिणाम फार्मूले की औपचारिक घोषणा बाकी, शुरू हुआ विरोध। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो घोषणा किया गया है पैटर्न के विषय में, वो अभी एकदम औपचारिक नहीं है। इस पर अभी विचार किया जाएगा और साथ ही साथ जो यूपी बोर्ड जो अपना फार्मूला निकाल रहा है उसके विषय में विरोध चालू हो गया है। यूपी बोर्ड रिजल्ट 2021 मुख्यमंत्री की स्वीकृति का हो रहा है इंतजार, 20 जून को हो रहा फैसला। जी हाँ दोस्तों, 20 जून को पता चलेगा कि आपका जो फार्मूला निकला है वो तय हो रहा है या नहीं। आल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने कहा, विद्यार्थियों के साथ अन्याय करेगा फार्मूला। परीक्षा परिणाम का फार्मूला तैयार करने के लिए प्रदेश भर से 2910 सुझाव मिले थे, जिसमें से ये सुझाव अपनाया गया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम जारी करने का फार्मूला लगभग तय है। मुख्यमंत्री की मुहर लगते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। फार्मूले में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं के 50% और हाई स्कूल प्री बोर्ड के प्राप्तांक के 50% के आधार पर प्रोन्नत किया जाएगा। तो ऐसा फार्मूला आपको पता चल गया होगा, चलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया था, नहीं देखा हो आपने तो देख लीजिए। वहीं इंटरमीडिएट में हाई स्कूल के 50%, 11वीं के 40% और इंटर प्री बोर्ड पर सिर्फ 10% अंकों को ही आधार माना जाएगा। यह है न्यूज। इस फार्मूले के ड्राफ्ट के वो अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला की अध्यक्षता में गठित कमेटी में तैयार किया जा रहा है, जिसमें मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकेश अग्रवाल के सुझाव को गंभीरता से लेते हुए समाहित किया गया है। तो वित्तविहीन स्कूल संचालक करने लगे विरोध। हालांकि अभी तक शासन ने बोर्ड परीक्षा परिणाम फार्मूले की औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन इस फार्मूले पर मोहर लगना लगभग तय माना जा रहा है। इसका वित्तविहीन विद्यालय संचालकों ने विरोध करना शुरू कर दिया गया है। तो ये टाइम ऑथेंटिक न्यूज है। ऐसा कोई भी न्यूज निकलता है तो सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए, तो यहाँ पर आपको केवल ऑथेंटिक न्यूज दिया जाता है। साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी इस चैनल पर कराई जा रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।